गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग इंग्लिश का क्लास आज लगाते हैं आगे। आर्टिकल्स का क्लास अगर अभी आप तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ओके। उसमें कई पार्ट बने हुए हैं। तो आर्टिकल्स का अभी तक आपने क्या क्या जानकारी लिया उसको थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स होता क्या है, आपने देखा कि आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर, और इस डिटरमिनर में ही एक पार्ट आता है जिसका नाम है आर्टिकल्स। उसी का नाम क्या है? आर्टिकल्स। और इस आर्टिकल्स को जो है हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक क्या होता है डेफिनिट, और दूसरा कौन होता है इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित होता है, और इनडेफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चित होता है। देखिए डेफिनिट का मतलब होता है पार्टिकुलर, जो खास की बात करता है। नहीं, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी जिसके बारे में आपको पहले से क्या होता है जानकारी महसूस होता है, और जिस पर आप जोर देते हैं, इम्फेसिस देते हैं। अगर हमको कहना हो यहाँ पे हम लिखते हैं दी डॉग, तो दी डॉग का मतलब क्या होता है? वही कुत्ता। जनरली अगर द लगा दिया जाए जनरली, तो इसका मतलब ऑल होता है। ऑल माने सभी। हम बोले कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल, इसका मतलब क्या है? सभी कुत्ते क्या होते हैं? सभी कुत्ते वफादार होते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब सभी कुत्ते क्या होते हैं? ऑल का सेंस है। लेकिन ये जो इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट में हम लोग पढ़ते हैं अ और अन का प्रयोग पढ़ते हैं, और दोनों का अगर अर्थ देखा जाए तो एनी होता है। क्या होता है इसका अर्थ? एनी। एनी का मतलब क्या होता है? कोई की बात करता है, किसी की बात करता है। जैसे हम बोले कि अ डॉग इज रनिंग, अ डॉग इज रनिंग अलोंग द रोड, along the road, यानी dog जो है कहाँ दौड़ रहा है? सड़क के किनारे या सड़क पर दौड़ रहा है। तो सड़क पर दौड़ रहा है तो कौन कुत्ता दौड़ रहा है? देखिए तो a dog माने कोई कुत्ता की बात हो रहा है, किसी कुत्ता एनी डॉग की बात हो रहा है। क्या आपको पता है कि कौन कुत्ता है? अगर हमको पता रहता कि कौन कुत्ता है तो द का प्रयोग कर देते, उसमें दी का प्रयोग कर देते, यही ना। उसके बाद समझिएगा, तो ये डेफिनिट और इनडेफिनिट, अभी तक आपने क्लास किया उसमें डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा, यूजेज ऑफ हमने बताया था कि दो कंपैरेटिव डिग्री हो और दोनों में तुलना किया जाए, जैसे द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना हम चाहते हैं उतना ही और चाहने की इच्छा बढ़ती है। नहीं तो दोनों के साथ द लगता है। उसके बाद आपने देखा कोई भी अगर इपिक है या हॉली बुक है, मतलब महाकाव्य, जैसे हॉली माने पवित्र ग्रंथ, जैसे रामायण है महाभारत है, उसके पहले क्या लगाते थे? द। नदी है, तालाब है, पर्वत श्रृंखला है, तो सबके पहले क्या लगता था? द का प्रयोग लगाते थे हम लोग। नहीं, उसके बाद जो दुनिया में यूनिक है, जैसे हो गया मून है, सन है, उसके बाद डायरेक्शन का नाम है, ईस्ट में मॉन्यूमेंट जो है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल के पहले क्या लगता है? द लगता है। न्यूज़पेपर का नाम होता है, न्यूज़पेपर का नेम होना चाहिए, ये ना कि न्यूज़पेपर था द लगा दिया द न्यूज़पेपर, गलत हो जाएगा। न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया था द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू द हिंदू, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर के पहले द का आर्टिकल का प्रयोग होगा? जैसे आज है तो क्या लिखा रहता है द आज? नहीं लिखा रहता, इंग्लिश के पहले होता है ना द टाइम्स ऑफ इंडिया, यही ना। देखो वहां पे लिखल भी है, देख लीजिएगा अपना, आप लोगों को ना दिखेगा अभी, तो गौर कीजिएगा। तो क्या इस तरीके से आप द का प्रयोग पढ़े कि नहीं पढ़े? लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, वो है आपका कौन सा यूजेज ऑफ कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल, यूजेज ऑफ। आज का क्लास जो हम लोग लगा रहे हैं यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। नहीं, अब यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे और किसका प्रयोग करेंगे? अन का प्रयोग करेंगे, और अन का प्रयोग करेंगे, और अन का प्रयोग करेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं, कहां पे अ लगेगा और कहां पे अन लगेगा। जनरली सबसे पहले जैसे ही डिफरेंट आर्टिकल की बात आती है तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि इसका जो यूज किया जाएगा कहां पे किया जाएगा, तो हमेशा सिंगुलर, किसमें? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। तीन चीज याद रखना है, आप सबसे पहले तो नाउन होना चाहिए। नाउन किसको है बच्ची? ध्यान एकदम यहां रखो, नाउन किसको कहते हैं? नाउन जो होता है नेमिंग थिंग होता है, किसी भी चीज का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसमें जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखने के लिए जैसे आप क्या देख रहे हैं? पेन देख रहे हैं,
सुनने के लिए आप क्या सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है साउंड? नहीं, महसूस जैसे एयर को कर रहे हैं, लव को कर रहे हैं, हेटर्ड घृणा को कर रहे हैं, नहीं तो ये ऑनेस्टी ईमानदारी को कर रहे हैं, तो जिसको कर सकते, तो इन सब चीजों के पहले हम लोग करते हैं आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन कुछ ऐसे फीलिंग्स होता है जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, जैसे ऑनेस्टी से पहले नहीं लगेगा, क्या लगेगा? द ऑनेस्टी होगा, नहीं होगा, तो लेकिन नाउन ये, नाउन में भी कैसा होना चाहिए याद रखना है, काउंटेबल होना चाहिए। नाउन में भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते, जैसे वाटर दे दे पानी, तो पानी को गिन लीजिएगा क्या, उसके पहले लगेगा और नहीं लगेगा। लेकिन अब काउंटेबल है तो काउंटेबल में दो चीज आएगा, दो चीज आया कि नहीं, एक होगा सिंगुलर नाउन और एक क्या हो जाएगा प्लुरल। तो प्लुरल के साथ अन का प्रयोग नहीं करना है, किसके साथ करना है? जैसे पेन बोले तो अ पेन हो गया, अ पेन नहीं। तो तीन चीज याद रखना है, सिंगुलर होना चाहिए, कंटेबल होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है आर्टिकल का प्रयोग, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, ये सबसे बड़ा चीज है। तो नाउन आपको पहचानने आना चाहिए। मान लीजिए कि रिच लिखा है, बताइए ये रिच है तो क्या इसके पहले अ लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि रिच मान होता है धनी, ये किसी का क्वालिटी बताता है, किसी का विशेषता बतलाता है। नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेड, तो रेड जो है क्या है, किसी का विशेषता है। लेकिन बोले रेड फ्रॉक, रेड फ्रॉक, अब यहाँ फ्रॉक क्या आ गया? नाउन, नाउन का विशेषता बताता हूँ क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा? कब लगेगा? जब नाउन आएगा। तो नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। आर्टिकल तभी लगेगा जब कौन चीज आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, नाउन नहीं तो आर्टिकल। अगर तुमसे कोई बोल दे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। यहाँ से कोई बोल दे कि आई एम ऑनेस्ट, क्या सही होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसे लिखा रहता, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज गेट्स रेस्पेक्ट, गेट्स रेस्पेक्ट, यानी ईमानदार जो लोग होते हैं, नहीं ऑनेस्ट जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इज्जत पाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? अन लग जाएगा, ऑनेस्ट। यहाँ पे सोझे द कर दे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ऑनेस्ट ऑलवेज गेट रेस्पेक्ट, यानी यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव से पहले द लगा देने से उसका प्लुरल हो जाता है। जैसे अमीर लोग तो क्या हो जाएगा? द रिच, ईमानदार लोग, द ऑनेस्ट, नहीं। और सोझे रहता है यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा रहता? ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ कोई आर्टिकल लगेगा? नहीं। लेकिन मैन आ गया तो इसके साथ देखो ओ आ गया, ओ है तो ऑनेस्ट, इसके साथ क्या लगा दोगे? अन का प्रयोग कर दो। कोई समस्या है तो बोलो। यानी सिंपल सी बात है कि हम लोग अ और अन का प्रयोग तभी करेंगे जब नाउन होगा, नाउन में भी सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, नहीं कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी हम लोग प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसको पहले नोट कीजिए, तो हम फिर आगे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका आर्टिकल होते हैं ए और अन, जो अ और अन बोलते हैं, इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो किया जाता है वह किस चीज पर किया जाता है? तो वह साउंड पर डिपेंड करता है, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा, जब भी अ और अन का प्रयोग करेंगे तो किस चीज के आधार पर कीजिएगा? साउंड के आधार पर। जो होता है साउंड ही मेन होता है। अब देखिये, साउंड जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, साउंड को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक होता है वोवेल साउंड और एक होता है आपका कंसोनेंट साउंड, यही ना? देखो वोवेल लेटर अगर कहता, लेटर करता तो ए ई आई ओ यू होता, और अगर साउंड कर रहा है इसका मतलब है कि ए ई आई ओ यू नहीं होगा, ए ई आई ओ यू नहीं होगा, ठीक है? तो और साउंड में भी एक चीज याद रखिएगा, जो डिपेंड करता है फर्स्ट लेटर पर, साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, यानी यह जो साउंड होता है अ और अन जो डिपेंड करता है, यह किस पर डिपेंड करता है? तो कहता है कि डिपेंड्स, ये जो होता है डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ, ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, ठीक है? किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट लेटर। जैसे अगर हम आपको बोले ऑनेस्ट मैन, तो इसको लिखेगा तो क्या आ जाएगा? ओ, पहला लेटर ही ना आएगा, तो इसके पहले क्या लगेगा? अन का प्रयोग होगा ना, इस तरह गप नहीं करता, भगा देंगे, पूरा भगा के रख देंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसको देखिए या, तो इसके पहले क्या लगेगा? अ लगेगा, ये नहीं लगेगा, अ लगेगा, क्या लगेगा? अ लगेगा, ठीक है? तो वोवेल साउंड, अगर हम वोवेल साउंड की बात करते हैं, तो वोवेल साउंड जो होता है वह क्या होता है?
इसमें वोवेल्स, देखो वोवेल साउंड उस साउंड को कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं होता, किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं होता। वैसा साउंड जिसमें किसी भी प्रकार की रुकावट न, उसको कौन साउंड कहेंगे? हाय बचवा, उसको वोवेल साउंड कहेंगे। कौन साउंड कहेंगे? पूछेगा वोवेल साउंड कौन है जिसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, और जिसमें जो होती है रुकावट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? कंसोनेंट साउंड। रुकावट समझते हो, जिसको उच्चारण में किसी और की सहायता ली जाती है वही ना कंसोनेंट होता है। अब एक बात समझिएगा कि ए और यानी अ और अन जो है डिपेंड करेगा पहला लेटर पर। किस पर डिपेंड करेगा? पहला लेटर पर डिपेंड करेगा। नहीं यानी अब समझिए, अगर आपका वोवेल साउंड है तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? अन का। और कंसोनेंट साउंड तो किसका यूज करेंगे? अ का। जनरली हम लोग वोवेल साउंड में कहां से कहां तक लाते हैं? अ आ से लेके अ तक लाते हैं। जनरली कहीं कहीं अ लिखा रहता है, यही ना रहता है। उसमें कहां से कहां तक रहेगा? क से लेके ज्ञ तक रहेगा ये आपका। नहीं, जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे एम एल ए, इसको पहला लेटर को लिखे एम, पहला क्या ए आया, आवा ए में है कि नहीं है, तो इसके पहले क्या लगा दीजिएगा? अन। लेकिन अगर यही पे हम बोले वन आईड मैन, वन आईड मैन, वाह पहला लेटर क्या है? वाह, तो वह इसमें आएगा ना कंसोनेंट साउंड में, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? अ का प्रयोग करें। कोई दिक्कत है तो बोलो। अ का प्रयोग कहाँ होगा? अन का प्रयोग होगा कहाँ पे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, लेटर की बात करें तो पांच है वोवेल लेटर और कंसोनेंट है 21, टोटल 26 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में। लेकिन साउंड की अगर बात किया जाए तो आपका साउंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल जो साउंड होते हैं, साउंड भी याद कर लो, पूछता है देखो, टोटल जो साउंड होते हैं कितना होते हैं? 44 होते हैं। कितना होता है? 44। कितना होता है? 44। वोवेल साउंड होते हैं 20 और कंसोनेंट साउंड कितना होता है? 24 होता है। टोटल कितना होता है? 44 साउंड होते हैं। करेक्ट है? तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, 44 साउंड होते हैं। अब इसमें से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको लिखा रहेगा एप्पल लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ है आपको, ना इसी तरीके से आपको लिखा गया है यूनियन लिखा है, यूनिक लिखा है, करेक्ट है? इस तरीके से आपका यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है, उसके बाद अन यूनिकॉर्न लिखा हुआ है, या एम ए लिखा हुआ है, एम ए लिखा है, एम एल ए लिखा है, एस डी ओ लिखा है, बी डी ओ लिखा है। तो अब आप इसको कैसे लगाएंगे? देखो, अब पहला लेटर के अनुसार एप्पल में आ, अन हो जाएगा ऑरेंज, ओ अन हो जाएगा, एम एल ए में ए अन हो जाएगा, एम एल ए में अ क्या हो जाएगा यानी ए तो अन हो जाएगा, यूनियन य होगा अ लगेगा, यूनिक में य होगा अन लगेगा, यूरोपियन में य होगा क्या लगेगा? ए अ ना लगेगा, एस डी ओ में क्या होगा? एस अ, देखो यहाँ पे ए हो गया तो क्या लग जाएगा? अन। बी डी ओ में है ब तो क्या लग जाएगा? अ लगेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो साउंड के अनुसार आप आर्टिकल का क्या करिएगा? प्रयोग करिएगा। इसके बाद आप लोग को जैसी मर्जी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, जितना कम प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। करेक्ट है? तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो आप समझिएगा। अब एक बात आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोग ए और एन का प्रयोग तभी करेंगे जब क्या होगा, साउंड जो होता है वोवेल या कंसोनेंट साउंड का फर्स्ट लेटर के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। नहीं, दूसरी बात है कि नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कोई समस्या है तो बोलो बबनी। चलिए अब यहाँ पे समझो, तुम्हारे पास जैसे एग्जांपल है ही इज, ठीक है? यहाँ पे ही इज एम ए इन इंग्लिश। अभी आप ही बताइए, वह ही किसके लिए आया है? किसी नाउन के लिए ना आया हुआ है? वह जो है एम ए कौन चीज में? इंग्लिश में, अंग्रेजी से। कौन चीज से एम ए किया है? ठीक है, इसी तरीके से अगर आता हर अंकल, उसके जो अंकल जी हैं, उसकी जो अंकल जी है वह क्या है? एमएलए है। कौन चीज है? एमएलए है, ठीक है? मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली, मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली। तो अगर आपको यहाँ कहा जाए तो क्या करोगे? अच्छा, आपको ऐसे रहेगा, ही इज यहाँ पे लिखा रहेगा, ही इज ऑनेस्ट लिखा रहेगा, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे लिखा रहेगा ही इज क्या लिखा रहेगा?
यहाँ पे लिखा रहेगा ही इज गुड बॉय लिखा रहेगा। गौर करो तो बाबा यहाँ पे देखिए एमए, एमए में क्या होगा यहाँ पे, एमए का क्या लग जाएगा बताओ, अन का प्रयोग होगा यहाँ पे, एमए किसका प्रयोग होगा, कैसे जान रहे हो, साउंड चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो, एमए ऑन है तो लगा देंगे अन, मुंह करी बात हो गई। ऑनेस्ट तुम्हारा एडजेक्टिव है, नाउन है, ईमानदार दिखेगा सुनाई देगा, इसके पहले लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो वो आ गया नाउन, तब यहाँ पे विशेषता है तब लगेगा, एकरा अनुसार रहेगा गुड गौ से। लगा कि ना लगेगा, कोई समस्या है तो बोलो बुआ, कोई दिक्कत, अच्छा बताए ही इज अगर हम बोले कि घी इज प्योर, घी इज प्योर, प्योर तो शुद्ध, शुद्ध तो विशेषता है, आठ के लगेगा, घी के पहले आठ के लगेगा, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, चूंकि इसके पहले अनकाउंटेबल नियम है कि पहले क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, क्या ना हो चाहिए, काउंटेबल, पहले इसको क्या कीजिए, आइए देखिएगा, अब समझिएगा, जो कुछ लेटर है जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा होता है उसमें एक लेटर है आपका यू का जो साउंड होता है ना दो तरीके से आता है, कभी कभी य का साउंड आ जाता है और कभी कभी अ का साउंड आ जाता है, उस समय आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हम आपको बोल रहे हैं यूनिक, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यूनिक बुक बोल रहे हैं, या बोल रहे यूनियन, इसका साउंड कैसा आ रहा है, यूनिक यूनियन यही ना आ रहा है आपका, ठीक है, तो जब इसमें आप किसका प्रयोग कर देंगे इसके साथ, अ का प्रयोग करेंगे, नहीं, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, या बात कर ले हम अम्पायर, अम्पायर, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, अन का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा, अन का प्रयोग होगा, कैसे होगा पता चला, तो यहाँ पे आपने जब यूज किया तो इसका साउंड कैसा आ गया, अ जैसा, इसका साउंड कैसा आया, य जैसा, यही ना होता आपका, तो ये ध्यान रखना है। एक और है एच, एच का भी दो साउंड निकलता है, कहीं कहीं पे देखिएगा कि ह रहता है, कहीं पे क्या रहता है, ह रहता है, और कहीं कहीं पे ये साइलेंट हो जाएगा, करेक्ट है, एकदम चुप्पी साध लेता है, जैसे हॉर्स है, हाउस है, अब देख मैं कैसा साउंड दे रहा है, ह जैसा, क्या लग जाएगा, अ, लेकिन साइलेंट मतलब, जैसे आवर, आवर, इसी तरीके से ऑनोरेरी, ऑनोरेरी, इसके साथ क्या लग जाएगा, अन, देख रहे इसका साउंड आ रहा है कैसा, आ, इतना साइलेंट है, ऑनोरेरी, ओ, एच का साउंड है ना साइलेंट, तो जब साउंड साइलेंट भी हो जाता है इसका। तीसरा है आपका, लेकिन ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है एच ओ टी एल में ना, इसमें कुछ लोग इसको होटल पढ़ता है, कुछ लोग इसको होटल पढ़ देता है, क्या पढ़ देता है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश अपनाएंगे इसलिए क्या पढ़ेंगे, होटल पढ़ेंगे, और जब होटल पढ़ेंगे तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन इसी तरीके से देखिए एच ई आई आर, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते एयर माने उत्तराधिकारी, और इस तरीके से एच ई आई आर ई डबल एस एयर एस एयर एस। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो देख रहे हैं इसमें क्या है, अ का, ए का प्रयोग हो गया है, तो ए का प्रयोग है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अन का प्रयोग, कोई समस्या है तो बोलो। तीसरा जो लेटर है जिसमें कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा हुआ ओ का होता है, कभी कभी ओ का साउंड ओ अ आता है और कभी कभी क्या जाता है ओ आ जाता है, ठीक है, जैसे ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज होता है पते होगा, आउल यही ना आता है आपका, और ओवन, ओवन यही ना आपका, तो यहाँ पे इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, अन का, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, अ का, समझ में आ रहा है, जब आप देखेगा ओनियन और आउल, ओनियन और आउल साउंड अ जैसा आ रहा है, ओनियन में अ, आउल में भी अ, तो अवा से लेके ए आई तक में क्या लगता है, अन, क से लेके यहाँ तक में क्या लगता है, अ, कोई समस्या है तो बोलो, बोलिए एनीबॉडी, हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम तो कृपया करें इसको नोट करें। देखिएगा हम लोग अ और अन का प्रयोग, यूनिट अगर किसी चीज का बताना, यूनिट मतलब समझते हो ना, इकाई, जैसे दूध बेचोगे कौन चीज के, उसका यूनिट कौन होगा, लीटर, किलो में बेचोगे, हमारा 2 किलो दूध दे दो, 2 लीटर ना, अगर तुमको चावल बेचना होता 2 लीटर दे दो, 2 केजी, ठीक है, दिमाग बेचना होता आई, उसके लिए आई क्यू, समझ रहे, सबका अपना एक यूनिट है, तो यूनिट बताना हो
और प्राइस बताना हो, प्राइस माने समझते हो ना, कीमत या मूल्य, कीमत या मूल्य। देखो यूनिट अगर बताना हो तो द का प्रयोग करना, प्राइस बताना हो तो क्या करना, अ का प्रयोग करना या अन का प्रयोग करना, और अन का। जैसे अगर आपको लिखा रहा है मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, दूध कैसे बेचा जाता है, लीटर ना, तो लीटर क्या है, यूनिट है कि प्राइस है, यूनिट है, इकाई है, लेकिन यही लिखा रहता है ऐसे, मिल्क इज सोल्ड आरएस 50, आरएस 50 डैश लीटर, यानी दूध कैसे बिकता है, ₹50 लीटर। भाव बता रहा है कि इकाई बता रहा है, भाव बता रहा है, तो भाव के लिए क्या होगा, अ का प्रयोग होगा, समझ रहे बात को, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, द, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, और लीटर है इसीलिए वहाँ पे क्या लग जाएगा, कोई समस्या है तो बोलो बबनी। अब एक बात समझो, एक बात और समझो, अगर आपको दो चीज है, एक होता है एनी का प्रयोग और एक होता है ऑल का प्रयोग, समझ रहे हो, एनी, अ और अन का प्रयोग करने से वो अर्थ लेगा एनी का, और द का प्रयोग करने से किसका लेगा, जैसे पूरी जाति को बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है, जैसे अगर कहना हो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग कैसा जानवर है, तो एक डॉग है कि सब है, तो सब के लिए ए लगाइएगा कि द लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है कि डॉग इज रनिंग, डॉग इज रनिंग अलोंग द रोड, सड़क पर दौड़ रहा है, तो क्या सब दौड़ रहा है कि कोई कोई दौड़ रहा है, पता आपको ना है कौन दौड़ रहा है, हमारा की पता है, मारे कुतवाओं में से वो कुतवा दौड़ रहा है, तो अ डॉग इज रनिंग अलोंग द रोड, यानी जो कोई एक डॉग है जो कि क्या कर रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ता है आदमी चाहे कुत्ता, तो बीचों बीच नहीं दौड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा, किनार में दौड़ेगा, लेकिन गाड़ी चलेगी तो अलोंग द रोड चलेगा कि ऑन द रोड चलेगा, तो कहोगे हम सड़क पर दौड़ रहे तो हम क्या, वी आर रनिंग ऑन द रोड की अलोंग द रोड, बीच में मतलब मारतो धक्का के चल देवे, कौन दुनिया में कुछ पता, ऐसा मारतो धक्का की कौन पोल के पार करवे पता नहीं, अरे ऐसा तो मार तो पीछे से धक्का तो उड़ा चल जाए पोल पर लटक जाए, चलो नोट करो। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी को पता है कि जब कोई भी अननोन पर्सन की बात हो, वैसे व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसके साथ भी हम लोग अ और अन का प्रयोग करेंगे, अननोन पर्सन, ठीक है, अननोन पर्सन, जैसे अगर हम बोले ए राम इज कमिंग, इसका मतलब क्या हो गया, राम नाम का कोई लड़का है जो क्या कर रहा है, आ रहा है, लेकिन जनरली प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन समझते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, तो उसके पहले हम लोग अ या अन का प्रयोग नहीं करते, समझ रहे बात को, जैसे राम इज ए बुआ तो अ राम इज ए बुआ नहीं होगा, करेक्ट है। दूसरी बात समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति का सरनेम, सरनेम समझते हो ना, उपनाम समझते हो ना, ठीक है, तो सरनेम जो होता है अगर वह प्लुरल फॉर्म्स में हो, कौन फॉर्म में रहे, प्लुरल फॉर्म्स का मतलब कोई किसी का सरनेम है उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इसके साथ अ अन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, लेकिन जैसे सिंगुलर में रहे, जैसे मिस्टर है, मिसेज है, ठीक है, मिस्टर है या मिसेज है, अगर सरनेम लगा हुआ है तो इसके साथ, जैसे बोलते हैं ना, मान लो कि मेरी अगर पत्नी होगा तो उसको सब लोग क्या बोलेगा, मिसेज, उसको बोलेगा मिस्टर विजय, क्या बोलेगा, मिसेज विजय, ठीक है, क्या बोलेगा उसको, क्या बोलेगा, किसकी पत्नी है, विजय की, तो विजय की पत्नी है तो मिस्टर विजय बोलेगा कि मिसेज विजय बोलेगा, हमको ना बोलेगा मिसेज रानी चाहे देवी, नहीं मिस्टर विजय ना, इनको बोलेगा मिस्टर की, उनको उसको क्यों बोलेगा, हाँ अरे मेरी जो पत्नी होगी उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलो तो, हिंदी में क्या बोलेगी, आप पति जो होगा, अच्छा यहाँ पति है तो हमको क्या बोलेगा, रानी का ना बोलेगा कि रानिया के पति है, रनिया के पति, रनिया का मतलब क्या है यहाँ पे,
मिसेज बोलते हैं, मिसेज है ठीक है। यहाँ पे सुनो, रनिया के पति बोलना तो कैसे बोलेगा इसको, क्या बोलेगा यहाँ पे उस औरत को, पति को क्या बोलेगा, मिस्टर मतलब औरत को क्या बोलेगा, मिस्टर बोलेगा कि मिसेज बोलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कहना हो इसको, मान लो कि कहना हो कि ये जो है राणा की पत्नी है, किसकी पत्नी है, राणा की पत्नी है, तो राणा की पत्नी है, तो इसको जब इंग्लिश में बोलेगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिस्टर रानी बोलेंगे, सॉरी मिस्टर राणा, मिस्टर क्या बोलेंगे, राणा। मिस्टर राणा का मतलब ये कौन है, मिस्टर राणा इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रानी इसका, राणा का क्या है पत्नी, यहाँ पे पति को बोलेंगे कौन चीज, पत्नी यहाँ बोलेंगे कौन चीज, मिसेज, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मिस्टर मिसेज और सरनेम लगा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मिस शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, मिस शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मिसेज शर्मा अगर कहा जा रहा है तो किसको कहा जाएगा, मिसेज शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, यानी मिसेज शर्मा जो है, नहीं मिसेज शर्मा वह क्या कर रही है, आपकी इंतजार कर रही है, यानी शर्मा की पत्नी आपका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, यानी शर्मा की पत्नी के लिए हमने पत्नी के लिए कौन चीज का यूज किया, मिसेज शर्मा। नहीं, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए मिस्टर शर्मा तब क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा का मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा खुद है, नहीं तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, मिसेज शर्मा यानी औरत को बोलेंगे मिसेज शर्मा बोलेंगे, औरत को क्या बोलेगा, मिसेज शर्मा, पति के टाइटल को लगा देंगे किसके साथ, पत्नी के साथ, तो बन जाएगी कौन, मिस बन जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, ये चूंकि आपका टाइटल है, सरनेम है, सरनेम जो होता है अगर सिंगुलर रहता है तो उसके साथ हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अ का या अन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मिस्टर रहे चाहे मिसेज रहे, करेक्ट है। लेकिन अगर वहीं पे वह प्लुरल हो जाता, वहां पे मिसेज जो है शर्मा ना होकर मिसेज शर्माज हो जाता, मतलब बहुत सारी पत्नियां है ना, जो कि शर्मा जी सबके अपन अपन पत्नी है, तो वहां पे हम लोग एक आयन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते, द का प्रयोग करते। कोई दिक्कत है तो बोलो, नोट कीजिए। सबसे पहले समझिएगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, इंडेफिनिट की बात करेंगे, उसके बाद पूरे आर्टिकल की बात करेंगे। देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल का ओमिशन जो होता है, यानी हम कह सकते हैं ओमिशन ऑफ ए एन ना, यानी अ और अन का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले समझिए, अगर नाउन नहीं रहे तो नहीं करेंगे, बिना नाउन काट के लगेगा क्या, एर और है चार रहे चार दी रहे कुछ हो रहे। दूसरी बात, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे उसके साथ नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन रहे उसके साथ नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे भाववाचक संज्ञा उसके साथ नहीं करेंगे, प्लुरल नाउन रहे उसके साथ भी हम लोग अ और अन का प्रयोग नहीं करेंगे, द का तो करेंगे, ठीक है। जैसे नाउन न रहे, अगर हम बोलते हैं रिच, इसके पहले आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, रिच के साथ लगेगा, लेकिन बुआ रहता तब तक लग जाता। अनकाउंटेबल, जैसे वाइल तेल, तेल को गिन नहीं सकते हो, वाटर को गिन नहीं सकते हो, प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, ये साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, जैसे काइंडनेस दयालुता क्या बता सकते हो, नहीं, ऑनेस्टी ईमानदारी, मिल्क, इसके साथ इन सब के साथ क्या करोगे आर्टिकल का प्रयोग। प्लुरल नाउन रहे, जैसे बॉयज है ना, पेंस, तो इसके साथ अ और अन का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग होगा सबके साथ लेकिन अन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है।
तो इन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा, लेकिन एक्सेप्शन सब जगह है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, सो वी कैन नॉट कौन चीज फॉरगेट इट, इसको भूलना नहीं है आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग ना करें, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, यानी जहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग ना होता है, और ए यानी अ अन द, नहीं पढ़ने का तरीका आपने सीख चुका है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अ चाहे क्या पढ़ते हैं ए, इसको क्या पढ़ते हैं अन पढ़ते हैं प्यार से, और स्ट्रॉन्ग रूप में पढ़ते हैं एल, इसको हम लोग पढ़ते हैं द दी और दी, जोड़ देना होता है, वेरी का सेंस होता है, वही का सेंस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं दी करते हैं, क्या करते हैं दी बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है। जैसे सिंपल कंसोनेंट से पहले टीएच लगाया तो क्या पड़ेगा द, वोवेल से पहले अगर द लिखा हुआ है तो क्या पड़ेगा दी, सिंपल दी दी, लेकिन अगर कंसोनेंट हो चाहे वोवेल और कना वही, तो उसके लिए क्या पढ़ना है दी, वही का सेंस आएगा, वेरी का सेंस आएगा, या वही लड़की है जिसने मेरे जीवन के साथ खेल गई, दिस इज द गर्ल हु प्लेड माय लाइफ, वही कहना हो कि या वही लड़की है जिसने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दी, दिस इज द गर्ल, ठीक है, वन हु स्पॉइल माय लाइफ, मेरे जीवन को बर्बाद कर, चलिए बोले कि यह वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दी तो मैंने उसका आंखें फोड़ दिया, तो ये सारा चीज, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले समझिए जनरल सेंस, अगर वो है जनरल सेंस मतलब समझते हो जो समान, वजह से मनुष्य जो होता है क्या होता है, मरणशील होता है, जनरल बात है कि ना है, गाय दूध देती है जनरल बात नहीं, गाय के पास चार पैर होते हैं, सबके पास होते हैं, तो जब कुछ वर्ड है जिसका जनरल सेंस में यूज हो, जैसे मैन, ओ मैन, नेचर, नेचर लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोसाइटी, वार, ठीक है, तो इन सब के साथ जेनरली सामान्य तौर पर हम लोग किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल बी यूज, क्या कहा, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, इनके साथ किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसके साथ, मैन, वोमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोसाइटी एंड वार, जैसे अगर आपको कहे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या होता है, मरण से, सब मरेगा कि नहीं मरेगा, चाहे राम रहो चाहे कृष्ण रहो, सब कहां जाओगे, जाओगे, तो यहाँ मैन सब की बात हो रही है कि एक की बात हो रही है, यानी यहाँ मैन क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ऑल ह्यूमन बींग्स यानी पूरी मानव जाति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चिया, पूरी मानव जाति का बात हो रहा है, पूरी मानव जाति का अगर प्रयोग हो तो क्या करेंगे, आ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, या द का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर ऐसा लिखा रहता मेन आर ब्लाइंड, आदमी जो है सब क्या है अंधे, क्या सब आदमी अंधे होते हैं क्या, दी मेन आर ब्लाइंड, नहीं दी मेन आर, यानी बहुत सारे जो लोग है सबके सब क्या है अंधे है, तो यहाँ पे अब यहाँ क्या जनरली है, जनरल सेंस है क्या, सब अंधा होता है, सब जन्म लेता अनहरे लेता, खरगोश के बचवा लेखा अनहर रहता 8 दिन 10 दिन ला, तो उसके लिए क्या करते हम लोग, अब देखो साइंस इज वर्ड, साइंस इज, अगर क्या है साइंस इज बोन,
जो साइंस होता है क्या होता है, वरदान होता है, तो सब वरदान होता है, के वो साइंस होता है सब नहीं, क्योंकि साइंस को आप कर्स आप न बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके साथ हम लोग कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई समस्या है तो कृपया इसे राइट किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आगे एक चीज है, आप सभी को पता है या नहीं है, पता नहीं भगवान जाने, अगर किसी भी सेंटेंस में शॉर्ट लिखा रहे, क्या लिखा रहे, शॉर्ट लिखा रहे, काइंड लिखा रहे, टाइप लिखा रहे, और इन वर्ड के जस्ट बगल में अगर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए, किसका प्रयोग कर दिया जाए, ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए, और इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है, और इसके बीच में अगर किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो गलत माना जाएगा। यानी कभी भी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद नाउन अगर आता है तो कभी भी उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस तरीके से दूं कॉमन एरर के रूप में कि आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, उसके बाद टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, और लास्ट में रहे नो एरर। नो एरर का मतलब होता है किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं है। ऑप्शन एग्जाम में इस तरीके से देता है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ठीक है, बतवा समझ रहे हो, या यहाँ पे दे दो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन में रहता है इस तरीके से, आ बच्चे कॉमन एरर देखो, और ऑप्शन में इस तरीके से ए बी सी डी लिखा हुआ है गोल गोल करके, तो कौन सा रंगोगे, जो गलत होगा। तो देखिए यहाँ पे आई डोंट, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग ठीक है, लाइक दिस टाइप ठीक है, मैंने कहा कि अगर टाइप के बाद ऑफ रहे और उसके बाद यहाँ नाउन लगा रहे तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के बाद कभी भी नाउन आए तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और करते हैं तो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। दूसरी बात, एक चीज और समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर रैंक लिखा रहे, पोस्ट लिखा रहे, टाइटल लिखा रहे, ठीक है, इतना चीज लिखा रहे और इसके जस्ट बगल में ऑफ रहे, इसके जस्ट बगल में नाउन रहे, तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब भी आपका रैंक, पोस्ट, टाइटल लिखा रहे, रैंक, पोस्ट और टाइटल लिखा रहे, तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर करते हैं तो वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल है हिज फादर, ठीक है, हैज बीन प्रमोटेड, हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर, अ मैनेजर, यही है आपका, इस तरीके से दिया है। आप यहाँ पे बताइए हिज फादर के साथ हैज लगता है, सिंगुलर है, ठीक है, प्रमोटेड टू द पोस्ट के साथ ऑफ लगा है, यहाँ पे मैनेजर नाउन है तो नाउन के पहले पोस्ट ऑफ अगर लगा रहे, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, एक चीज और समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर दिस लिखा रहे, किसी भी सेंटेंस में अगर दिस लगा रहे, दैट लगा रहे, दीज लगा रहे, दोज का प्रयोग किया गया हो, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसके बाद माई, आवर, योर, हिज, हर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो याद रखिएगा, इन सब के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो कभी भी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। समझ रहे बात को, जैसे अगर लिखा रहे दिस इज अ बुक, यहाँ पे तो ठीक है, अगर इसी को ऐसे लिखते हैं This book is mine. यहाँ पे देखिए this,
दैट दीज दोज माई आवर योर हीज हर के बाद जस्ट बगल में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. जैसे अगर लिखा रहे माई अ फ्रेंड, माई अ फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली. तो देखिए यहाँ पे माई है, माई रहे आवर योर हीज हर के जस्ट बगल में भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता. ये सारा रूल जो होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा घर पे. देखिए कोई भी अगर भाषा होता है ना, ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर भाषा है, लैंग्वेज है, तो जनरली सामान्य अर्थ में, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो इसके पहले कभी भी सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे. नो आर्टिकल्स, समझे. भाषा के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. अब भाषा का नाम जनरल सेंस में रहेगा तब नहीं करना. जैसे अगर हम बोलते हैं कि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोब का मतलब पूरा दुनिया की बात कर रहा है. इंग्लिश जो है कैसी है, एक ग्लोबल भौगोलिक भाषा है, पूरे सब जगह बोली जाती है. तो यहाँ पे इंग्लिश भाषा का नाम है और जनरली सेंस में है, तो उसके साथ कभी भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है. अब अगर हम कहें संस्कृत इज द मदर ऑफ द या मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, ऑल मॉडर्न लैंग्वेज, सभी को पता ही है कि सनातन धर्म जो था उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत. आर्यों की भाषा संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है. तो संस्कृत मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज. अभी जितना भी भाषा आया सब किसके माध्यम से आया है? संस्कृत. तो ये जनरल बात है. तो जनरली हम लोग कभी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. अगर करते हो तो परेशानी में पड़ जाओगे, ठीक है. लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्या पता है? नहीं सर. अगर जनरल सेंस में न रहे, कौन सेंस में न रहे, जनरल सेंस, तो उसके पहले आर्टिकल लगा दे तो हमको कोई कुछ बिगाड़ ना लेगा, ठीक है. जैसे अगर हम कहते हैं he cannot, अगर इस सेंटेंस को पहले देखो, he cannot speak Russian. अब बताओ रशियन भाषा है ना, आर्टिकल लगेगा नहीं. लेकिन यहाँ पे ऐसे रहता he cannot speak Russian language, Russian language. अब यहाँ पे गौर करो, he cannot speak Russian, वो रशियन नहीं बोल सकता. he cannot speak Russian language, वो रशियन भाषा नहीं बोल सकता. अब क्या अंतर हो गया इसमें? he cannot speak Russian, Russian का मतलब रशिया के लोग, जनरली हो गया. He cannot speak Russian, मतलब वहां देश का नाम है रशियन, भाषा नहीं है. यहाँ पे रशियन लैंग्वेज. तो जब ये तो पार्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है. कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, तो आगे बढ़ो और समझिए. हम लोग कोई भी सीजन होता है, नेम ऑफ द सीजन्स, नेम ऑफ द सीजन, कोई भी ऋतु होती है तो जनरली इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता. जनरली सेंस, जनरल सेंस में नो आर्टिकल. जनरल सेंस में हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे आप देख सकते हो, अगर हम आपको कहते हैं कि समर इज ए हॉट सीजन, समर इज ए हॉट सीजन, आप ही बताइए. अगर हम कह रहे हैं कि समर इज ए हॉट सीजन, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सब समर की बात करें कि एक के को समर की बात कर रहे हैं? यानी समर मतलब जनरली सेंस में ले रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं. लेकिन अगर हम कहे कि राजस्थान इज, राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, टॉलरेंस, अब यहां पे क्या कहा कि राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, यानी राजस्थान जो है वह सहने सहन से ज्यादा है. मतलब क्या है टॉलरेंस? मान होता है सहनशील या सहना, तो सहन से ज्यादा, मतलब राजस्थान में इतना ज्यादा गर्मी पड़ती है
कि क्या होती है, क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे राजस्थान किस सेंस में आ रहा है, प्रॉपर नाउन के सेंस में आ रहा है, किस नाउन के सेंस में आ रहा है, बात कर रहा है पूरा राजस्थान की। तो यहाँ भी जनरल सेंस में क्या हो जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग करोगे क्या, नहीं करेंगे। तो इन चीजों को भी आपको क्या रखना होगा, इतने नहीं, अगर सप्ताह का दिन रहे, ठीक है, किसका दिन रहे, तो इसके पहले भी जनरल सेंस में नहीं लगेगा, लेकिन पार्टिकुलर सेंस में द लगेगा। अब देखिएगा नेम्स ऑफ वीकडेज, देखो जब सप्ताह का नाम रहे ना, याद रखिएगा नेम्स ऑफ वीकडेज, बबुनी सप्ताह का नाम रहेगा ना, ठीक है, सप्ताह के नाम रहेगा, सप्ताह में कई दिन होते हैं, संडे से लेके कह रहे संडे से लेकर संडे ला, तो आठ गोले की सात गोले, आठ गोले, हफ्ता में आठ, सप्ताह में सात, तो संडे से लेके सैटरडे, सैटरडे से लेके संडे से लेके सैटरडे। देखो जनरली जनरली जो होता है इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर पार्टिकुलर रहे, क्या रहे, पार्टिकुलर अगर नेम रहे तो इसके पहले क्या लगा देना है, द लगाना है। जैसे अगर बच्चिया अगर लिखा रहा है संडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक, कहीं कहीं संडे लिखता है, कहीं कहीं मंडे लिखता है ना, तो देखो संडे तो पहला होता ही है, तो क्या इसके पहले आठ की लगेगा, सब संडे में होता है, यस ना, लेकिन ऐसे रहता, ऐसे लिखा लाता बचवा, संडे ऑफ लास्ट वीक, संडे ऑफ लास्ट माने गत सप्ताह का संडे वाज वेरी बोरिंग, यानी अभी अभी जो गुजरा है ना गत सप्ताह वाला संडे, बड़ा बोरिंग था, कैसा था, बड़ा बोरिंग था। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे द लगाना, तो यहाँ पे तो पार्टिकुलर की बात किया, कौन संडे के बात कर रहा है, गत सप्ताह, गत सप्ताह, गत सप्ताह माने जो अभी तुरंत बीता, वो कैसा था, बोरिंग, बोरिंग था, तो बोरिंग हो गया। क्या बच्चिया, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, क्या सप्ताह का पहला दिन कौन होता है, संडे, जनरली होता है कि नहीं, तो होता है, तो क्या जनरली अर्थ में दिन के पहले, नाम के पहले आर्टिकल लगेगा, समझ में आ गया, बीच बीच में घूमने चली जाती है का, यही रहना, लिखने करो। अब देखो आगे नेम ऑफ मंथ्स में भी यही फॉर्मूला चलेगा, जब महीना का नाम रहेगा ना, जनरली अर्थ में नेम ऑफ द मंथ में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रहेगा, लिखाने की जरूरत है क्या, तो आगे समझो, एक बात समझने वाली बात है कि अगर पार्ट्स ऑफ द डे रहे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द, देखो सब इसी में हम लगा देते हैं, अगर यहाँ पे नेम्स ऑफ वीक रहे, चाहे नेम्स ऑफ मंथ रहे, चाहे नेम्स ऑफ क्या रहे पता है, चाहे नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे रहे, पार्ट्स ऑफ द डे रहे, पार्ट्स ऑफ डे समझते हो, दिन का हिस्सा समझते हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट, तो इस सब के पहले भी आर्टिकल लगेगा, लगेगा, लेकिन यही खास हो जाएगा, तब क्या करोगे, खास। अब बोले कि वही सुबह जिसमें लड़की को अपना हम विदा किए थे, समझ रहे हैं, तो खास हुआ, समझ गए, वही खिड़खिबा खाए सुबह वाला, जेकरा हम देख लेते में हवा घुसत रहे ना, तो याद रखना, कहने का अर्थ है कि जब आपका खास, जैसे दूसरी बात समझिएगा, अगर आपके लंच का भी समय होता है, आपके डे का भी समय होता है, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो इस सब के साथ भी जनरल सेंस में आर्टिकल का प्रयोग करोगे, नहीं करोगे, नहीं, तो ब्रेकफास्ट रहे, लंच रहे, डिनर रहे, तो उसके साथ भी हम लोग नहीं करेंगे। अब समझो, अब जो होते हैं, नोट कर लिए होंगे, अब समझिए, अब कोई भी स्थान है तो दो चीज के लिए बना गया है, या तो एक प्राइमरी पर्पस है,
एक है प्राइमरी पर्पस और एक होता है अदर पर्पस। एक होता है प्राइमरी पर्पस, एक होता है जैसे ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है कौन चीज के लिए बना हुआ है? प्राइमरी। यहाँ पे कौन काम के लिए बना हुआ है? पढ़ाई के लिए। पढ़ना चाहे पढ़ाने के लिए, या तो पढ़ो ना तब पढ़ाओ। ए में आ का कोई जूता मथा पर लेकर नाचे लगी तब तो उसका पर्पस, उसका उद्देश्य बदलेगा कि ना बदलेगा? बदलेगा। उद्देश्य जैसे ही बदलेगा, लेकिन इस चीज को अगर जानना चाहते तो अगले वीडियो में संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।